अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में बेसिकली हम बात करते हैं कि आप कंप्यूटर का यूज़ करते हुए आप डिफरेंट तरह की क्या करते हो, एडिट करते हो या क्रिएट करते हो, बनाते हो या प्रिंट करते हो डॉक्यूमेंट्स को। अब जो सा भी सॉफ्टवेयर या जो से भी एप्लीकेशन आपको अलाउ करती है, देखो क्या कि आप डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स देखो क्या क्रिएट कर सको किसमें, कंप्यूटर में, उससे हम क्या बोलेंगे, वर्ड प्रोसेसर बोलेंगे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है जो कि नॉर्मली कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। अब इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं, वर्ड प्रोसेसर बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी चीज़ डिलीट करो, देखो क्या डॉक्यूमेंट के अंदर से, या आप उसमें कोई भी चीज़ अपडेट करो, चेंज कर लो, या डॉक्यूमेंट की अरेंजमेंट देखो क्या चेंज कर लो या उसको रीअरेंज बेसिकली कर लो, देखो क्या विदाउट रीटाइपिंग, कि आपको दोबारा से उसको टाइप करना ना पड़े। ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट है, उसमें आप कुछ भी डिलीट कर रहे हो, उसमें कोई भी चीज़ अपडेट करो या रीअरेंज कर रहे हो, ठीक हो गया, उसको दोबारा से टाइप किए बगैर, ठीक हो गया। तो ये किसका एडवांटेज है, वर्ड प्रोसेसर का। अब सिंपली अगर बात करो, अगर मैंने हैंड रिटन कुछ लिखा है, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, तो हो सकता है वो मुझे क्या करना पड़े, दोबारा लिखना पड़े, जबकि वर्ड प्रोसेसर आपको अलाउ करता है आप दोबारा से उसे मत लिखो, आप उसी में एडिटिंग कर लो। इससे क्या होता है कि आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली एक आपको ऐसा फीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपीलिंग जो है ना, आप जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल बना सको, ठीक हो गया। जिस तरह के आपके पास डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स आ जाती हैं, इसमें आप लेटर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक हो गया, रिपोर्ट्स बना सकते हो, रिज्यूम्स बना सकते हो, न्यूज़लेटर्स, ठीक हो गया, तो मेमोज हो गए, फ्लायर्स हो गया, तो डिफरेंट तरह के आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग जो है एक आपके पास कॉमन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करता है, ठीक हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, ठीक हो गया, जिसके ना आप क्या कर ले को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस और डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड करता है। अब क्या है कि हम बेसिकली इसके जो कुछ स्टेप्स हैं, बेसिकली मेरे पास थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है इसका, तो विंडो बेसिकली मेरे पास इंस्टॉल विंडो 10 है, तो इसमें एक ऑप्शन ही होगा वो एसेसरीज का, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट में जाने के बाद आपके पास जहाँ पे भी एसेसरीज का ऑप्शन है वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ पे आप जाके क्या ओपन कर लोगे वर्ड को। मेरे पास लेटेस्ट विंडो है तो बेसिकली मैं डायरेक्ट जाऊँगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्ड को क्लिक किया और ये मेरे पास एक ओपन क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या के हम अगर इसके डायरेक्ट विंडो पे चले जाते हैं तो ये आपके पास क्या आ रही है, एक वर्ड की क्या आ रही है, एक कंप्लीट विंडो आ रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट होकर, ठीक हो गया, यहाँ से स्टार्ट करके ये जो लास्ट तक आपके पास ये आ रहा है पूरा कंप्लीट किस में आएगा, ये आपके पास वर्ड विंडो में आएगा। अब बेसिकली क्या है, वर्ड विंडो में आपके पास डिफरेंट तरह के आइकन्स हैं, जैसे ये वाले जो ऑप्शन है ये क्विक एक्सेस टूल बार के हैं, ठीक है, कि आप सेव कर सको, आप अंडू कर सको, आप रीडू कर सको, ठीक है। अभी ये हाइलाइटेड नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिखता हूँ तो अब आप देखोगे वहाँ पर वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो आपके पास अंडू और रीडू का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये फिर आपके पास टाइटल बार आ जाती है जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंट का टाइटल आ रहा है, ठीक हो गया। फिर ये कंप्लीट रिबन है ये, ठीक है, एक सेकेंड, जो अभी आपके पास ये डिसेबल हो गई है, ये सारी जो इनको इंक्लूड करके ये आपके पास बेसिकली किस में आ जाता है, रिबन में आ जाता है, ठीक हो गया। फिर आपके पास क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार ये आपके पास शो हो रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास क्या है, ये मिनिमाइज, ठीक हो गया, और मैक्सिमाइज, रिस्टोर, ठीक हो गया, क्लोज, ये सारे आपके पास यहाँ पर बटन आ रहे हैं, ठीक हो गया, इनके थ्रू आप डिफरेंट तरह के विंडो पर एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर ये आपके पास स्टेटस आ रहा है, ठीक है, कि कितने पेजेस आप यूटिलाइज कर चुके हो, ठीक है, इसके अलावा आप करंट पेज पर कौन से हो, कितने वर्ड्स एंटर कर
कर चुके हो और ये जो आप वर्ड टाइप करते हो यहाँ पे प्रूफिंग हो रही है तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसके अलावा ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये जो वाइट आपको स्पेस नज़र आ रही है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये पार्ट आपके पास जूम इन और जूम आउट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब अगर आप ये देखें तो हमारे पास पहले यहाँ पर सिर्फ आ रही थी वर्टिकल स्कोर बार आ रहा था, लेकिन अब हमारे पास क्या आ रहा है, हॉरिजेंटल स्कोर बार भी यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, अगर हम वर्ड विंडो की बात करते हैं तो वर्ड विंडो पर जैसे हमने बात कर ली कि आपके पास कोई ऐसा स्क्रॉल बार है, रिबन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार्स है, ठीक हो गया। फिर आपके पास है रिबन की बात करते हैं, ठीक हो गया। रिबन में एक चीज़ याद रखनी है, जो आपके पास कितने टैब्स होते हैं, टोटल ये 9 टैब्स होती हैं, ये एक एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड अब हो गई है, वरना जो आपके पास बेसिकली कितनी टैब्स होती हैं, ये 9 होती हैं, जो 2009 आपके पास 10 का सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपके पास स्टेटस बार पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास टोटल पेजेस आ रहे होते हैं, करंट पेजेस आ रहे होते हैं, ठीक हो गया, और वर्ड आपने कितने टाइप किए हैं, ठीक हो गया। फिर राइट एज में आपके पास स्टेटस है इसका जूम इन और जूम आउट का, ठीक हो गया, जिसके ज़रिए से आप अपने डॉक्यूमेंट का, अपने बेसिकली पेज का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं या इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले अगर आपने नया कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो सबसे पहले ये फाइल के टाइप में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास न्यू का ऑप्शन है, आप न्यू को क्लिक करें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, ठीक हो गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आपने क्लिक किया तो आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक हो गया। सिमिलर वे में अगर आपने क्या करना है कि शॉर्टकट कमांड यूज़ करने, तो कंट्रोल एन इसे आप क्लिक करेंगे तो भी आपके पास नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर आपने कोई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट पहले से सिस्टम में है और आप उसे ओपन करना चाह रहे हो, फाइल में जाओ, यहाँ पर न्यू के नीचे ऑप्शन है ओपन का, आपने ओपन को क्लिक किया तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पहले से डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, मैंने क्लिक किया तो ये अभी मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम लोडिंग का, और ये मेरे पास क्या हुआ, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ये जूम काफ़ी किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या हुआ कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन भी कर सकते हो। इन सिमिलर वे अगर आपके पास ऑलरेडी जैसे फाइल पे गए ना, तो हमने एक तो फाइल में गए और ओपन को क्लिक किया तो भी आपके पास क्या हुआ कि यहाँ पर आप ब्राउज करके आप जा सकते हो, डायरेक्ट अपना फोल्डर कोई भी ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई रिसेंटली ओपन किया है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा था, रिसेंट का, ये भी रिसेंट पे है और रिसेंट पे ये शो कर रहा है कि आज मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया है, तो रिसेंट पे भी जाके आप अपने फाइल को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई फाइल सेव करनी है, देखोगे तो दोबारा फाइल के ऑप्शन में जाओ तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, आप सेव को क्लिक करोगे तो आप पहले अपने डॉक्यूमेंट का नाम बताओ और उसके बाद क्या करो, उसको सेव कर लो, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड हमारे पास यहाँ पे सेव एज का भी ऑप्शन है। सेव और सेव एज में डिफरेंस हमारे पास ये होता है, अगर किसी पुराने डॉक्यूमेंट में आप कोई चेंज करते हो तो आप चाहते हो कि पुराने वाले डॉक्यूमेंट भी रहे और जो आपने नया डॉक्यूमेंट में जो आपने चेंजिंग की है वो भी रहे, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे, सेव एज का। या अगर आप किसी नई लोकेशन में भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाह रहे हो तभी आप किसको यूज़ करोगे, सेव एज को यूज़ करोगे। इसके अलावा आपके पास वैसे भी सेव का जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पर ही आपके पास क्या टॉप पे आपको शो हो रहा है क्विक एक्सेस टूल बार में। इसके अलावा अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो वो सिमिलरली आप फाइल में जाओगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रिंट का ऑप्शन है, ठीक हो गया, यहाँ आप इसे क्लिक करो, उसके बाद वो डिफरेंट डिटेल्स मांगता है आपसे प्रिंटिंग की, आप यहाँ पे वो डिटेल्स दे के आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में आपके पास क्लोज का ऑप्शन है, अगर आप क्लोज करना चाहते हो आप सिंपली क्लिक करो और ये आपके पास क्या होगा, डॉक्यूमेंट आपको क्लोज कर देगा, ठीक है।